सीएए के विरोध में बंद को लेकर यूपी में फिर अलर्ट जारी किया गया है। 8 जनवरी को वामपंथी दलों और दूसरे संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। संवेदनशीलता देखते हुए डीजीपी ने सभी जिलों को यह अलर्ट जारी किया है। तो 19 दिसंबर को हुई हिंसा को देखते हुए अब यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और एक बार फिर से यूपी में सीएए के विरोध में बंद को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। 8 जनवरी को वामपंथी दलों और दूसरे संगठनों ने भारत बंद बुलाया है और उसी को देखकर पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो सीएए के विरोध में बंद को लेकर यूपी में अलर्ट। 8 जनवरी को वामपंथी दलों और दूसरे संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है ताकि प्रदेश का जो माहौल है वो खराब ना हो, अप्रिय घटना यहां पर ना घटे। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, सुरक्षा चाक चौबंद और सभी जिलों को डीजीपी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वामपंथी की तरफ से जिस तरह से देशव्यापी हड़ताल का यहां पर ऐलान किया गया है उसी के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। 8 जनवरी को वामपंथी दलों और दूसरे संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया और उसी के तहत ये आदेश यूपी के डीजीपी की तरफ से सभी जिलों को दिए गए हैं कि पूरी तरह से मुस्तैदी यहां पर बढ़ती जाए और बीते दिनों जो हालात उत्तर प्रदेश में देखने को मिले वो दोबारा ना पैदा हो, इसको लेकर उससे सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। और इसी बीच हमारे संवाददाता अरुण चतुर्वेदी फोन लाइन पर। अरुण, एक बार फिर से यूपी में सीएए के विरोध में बंद को लेकर अलर्ट जारी। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 19 तारीख को हुई हिंसा पर 20 लोगों की पूरे प्रदेश में मौत हो गई थी और सबसे बड़ी हिंसा अगर देखी जाए तो राजधानी लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई थी, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि जो 8 फरवरी को वामपंथी दल और कुछ अन्य दल संगठन जो है भारत बंद का ऐलान किए हुए हैं कानून नागरिकता के विरोध में, जिसको देखते हुए डीजीपी ने पूरे प्रदेश को अलर्ट में जारी कर दिया है। भारी सुरक्षा बल पुलिस तैनात कर दिए, सभी कप्तानों को अलर्ट जारी किया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन और किसी तरह की कोई वो न करे, जिसके लिए पुलिस अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस तरह की कोई भी घटना कहीं पे होती हो तो तुरंत गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाए। बिल्कुल अरुण, लेकिन जिस तरह से डीजीपी की तरह से यहाँ पर तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, उस अलर्ट का असर दिख रहा है क्या धरातल पर? अगर लखनऊ की बात करें वहां पर किस तरह का असर इस मुस्तैदी का? जिस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ लखनऊ के एसएसपी कल नदी नैथानी ने जो कल रात में मीटिंग की और सभी थानों के सीओ और एसएसपी एसपी मौजूद थे, उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि बैरिकेडिंग कर दिया जाए बाहर से आने वाले सभी जगहों पर और जिस हिसाब से अगर कोई भी विरोध कोई भी हिंसा करता है अगर किसी प्रकार का कोई करता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह से पुलिस कई पीएससी के बल और तैनात की लिस्ट जारी कर दिया गया है और अपने चीजों की लिस्ट डीजीपी के पास भेज दिया गया है। भारी सुरक्षा बल तैनात करने के लिए 8 जनवरी से पहले से ही अलर्ट पर पुलिस है और किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।